पिग्मी हॉग के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये इमेज में आप देख सकते हो, ये है पिग्मी हॉग। ये आपको चूहे की तरह दिख रहा होगा, चूहे को रैट या माउस बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये रैट माउस चूहा नहीं है, ये एक सुअर है, सुअर की प्रजाति है, पिग, वाइल्ड पिग है, जंगली सुअर है ये। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि 8 पिग्मी हॉग, कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉग रिलीज किए गए हैं, छोड़े गए हैं मानस नेशनल पार्क में, असम में है जो मानस नेशनल पार्क। इसमें ये पूरे वर्ल्ड का रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है, जितने भी जंगली सुअर पाए जाते हैं उनमें सबसे छोटा है और रेयरेस्ट है। रेयरेस्ट का मतलब दुर्लभ, बहुत ही कम पाया जाता है ये। मानस नेशनल पार्क असम में यहाँ पे छोड़े हैं। कैप्टिव ब्रीड का मतलब होता है कि इनका एक प्लांट बना लेते हैं, एक मतलब सेंटर बना लिया, मेडिकल सेंटर, इनका हॉस्पिटल, वहाँ पे इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। मतलब इनकी जैसे किसी की पॉपुलेशन कम होगी स्पीसीज की, तो इसको लैब में इसको ब्रीडिंग की जाती है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब इनके बच्चे पैदा किए जाते हैं लैब के जरिए। और जब जैसे जैसे पॉपुलेशन घट रही है इनकी, तो बच्चे पैदा करके फिर इनके फॉरेस्ट में ही छोड़ देते हैं, फीमेल और मेल, और फिर अपने खुद मेहनत करो, खुद अपने बच्चे बनाओ। तो इनकी जिनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, ऐसे कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। तो इसके अभी 8 स्पीसीज छोड़े गए हैं, इसलिए न्यूज में आया है। ये कहाँ पे है मानस नेशनल पार्क? ये अपना हिंदुस्तान, ये असम, असम में देख लो, यहाँ पे ये मानस नेशनल पार्क है। ये भूटान और असम के जो बॉर्डर है वहाँ पे ये बॉर्डर लगाता है। भूटान के पास भी एक मानस नेशनल पार्क है, भूटान का भी यहाँ पे, तो दोनों को ये बॉर्डर लगता है लगभग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये छोड़े गए हैं पिग्मी हॉग। इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका सेकेंड बैच छोड़ा गया है पिग्मी हॉग का। पिग्मी हॉग का सेकंड बैच, बैच का मतलब ये, जैसे आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हो या किसी कोचिंग में बैच होते हैं ना, एक बैच में इतने इतने बच्चे, एक बैच में इतने, तो इसके सेकंड बैच में 8 पिग्मी हॉग छोड़े गए हैं, री इंट्रोड्यूस किए गए हैं वाइल्ड में, जंगल में। एक प्रोग्राम चला रखा है गवर्नमेंट ने इनको संरक्षण करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत ये ब्रीडिंग की जा रही है इनकी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है। ये पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर पिग्मी हॉग के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोग्राम कोलेब्रेशन प्रोग्राम है, मतलब सहयोग से चलाया जा रहा है, किस किस की? एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट है, डूरल नाम की, मतलब एनजीओ टाइप की गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं जो, मतलब गैर सरकारी संस्थाएं। डूरल नाम का एक आदमी था, उसने बनाई थी ये ट्रस्ट, डूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट। ये यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की, और असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप है आईयूसीएन का। आईयूसीएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में बनी थी, जूलियन हैक्सले नाम के आदमी ने बनाया था इसको। तो इसका एक ग्रुप है आईयूसीएन का, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हमारे इंडिया की, ये सब मिला के इस प्रोग्राम को चला रहे हैं जो पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम है। ये करंटली इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इसको, इस प्रोग्राम को? एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आरएनएक और इकोसिस्टम, ये इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है इस एनजीओ के जरिए। पिग्मी हॉग का कंजर्वेशन जो इनिशिएट किया था, मतलब शुरुआत में इसको बचाना शुरू किया था पिग्मी हॉग को, वो एक आदमी है, नेचुरलिस्ट हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए काम करते थे, ये हैं जेराल्ड डुरेल। ये जेराल्ड डुरेल ने ही चलाया था इनका कंजर्वेशन का प्रोग्राम, बचाने का प्रोग्राम 1971 में। पिग्मी हॉग को ये लगभग नियर एक्सटिंक्शन की, मतलब नियर एक्सटिंक्शन होने वाला था इसका, एक्सटिंक्शन का मतलब है लुप्त, इसकी प्रजाति बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, लेकिन इसको दोबारा से ब्राउट बैक लाया गया और पार्टनरशिप एफर्ट कर किए गए, और इसकी पॉपुलेशन को दोबारा से मेडिसिनल, मतलब सेंटर वगैरह में ब्रीडिंग करके, लैब वगैरह में फिर से दोबारा इसकी पॉपुलेशन रिवाइव की गई है। ये 6 हॉग्स वर कैप्चर्ड फ्रॉम द बंसबारी रेंज, जो मानस नेशनल पार्क है ना असम में, वहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है बंसबारी रेंज। यहाँ पे 1996 में 6 पिग्मी हॉग को पकड़ा गया और इनकी ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया लैब में, और इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई गई, और ऐसे बढ़ा के इनकी पॉपुलेशन जंगल में छोड़ रहे हैं, फिर ये खुद भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और कुछ लैब में बढ़ाई जा रही है। तो ये री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम ये चलाया गया था 2008 में, स्टार्ट चलाया गया था कि दोबारा से इनकी ब्रीडिंग करके और जंगलों में छोड़े जा रहे हैं। ये यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है असम में आसपास, जिनमें ये री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया था 2008 में। एक सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में है, ये भी औरंग नेशनल पार्क, ये भी असम में है, और एक बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में। यहाँ पर री इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम चलाया गया पिग्मी हॉग का, मतलब दोबारा से यहाँ पर छोड़े गए। 2025 तक जो पिग्मी हॉग है मानस में, 60 तक इनकी जनसंख्या रिलीज कर दी जाएगी इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जो पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मतलब इनके 60 पिग्मी हॉग रिलीज कर देंगे मानस नेशनल पार्क में 2025 तक का ये टारगेट है। तो पिग्मी हॉग के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पोरकुला साल्वानिया है, ये याद भी हो ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ये एक तो मैमल्स है,
ये वन ऑफ द फ्यू मैमल्स हैं, मतलब कुछ ऐसे मैमल्स में ऐसे हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं, अपना घर या घोंसला नेस्ट खुद बनाते हैं, और उनकी रूफ भी होती है, छत भी होती है इनके घर की। जैसे मान लो मैमल्स, मैमल्स कौन से होते हैं, एक तो मैमल्स को जान लो, हिंदी में बोलते हैं स्तनपाई, स्तनपाई बहुत बार मैं बता चुका हूँ वैसे इसे, स्तनपाई बोलते हैं। मैमल्स होते हैं, इनके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे जो वार्म ब्लडेड हो, जिनका खून क्या है, गर्म हो, वार्म ब्लडेड, उन्हें बोलते हैं मैमल। और दूसरा इनवर्टेब्रेट हो, इनवर्टेब्रेट का क्या मतलब होता है, मतलब इनवर्टेब्रेट का मतलब होता है जिनके पास रीढ़ की हड्डी हो। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, ये बच्चे दें, बेबी प्रोड्यूस करें डायरेक्ट, अंडे ना दें, अंडे में से जब बच्चे निकलें ऐसा ना हो, डायरेक्टली बेबी प्रोड्यूस करें। और नेक्स्ट क्या है कैटेगरी, नेक्स्ट है जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उनको मिल्क भी, दूध भी पिलाएं, मिल्क भी प्रोड्यूस करें। जैसे मान लो मुर्गी है, मुर्गी क्या, जो मुर्गी होती हैन, क्या वो मैमल्स है? नहीं है, क्योंकि वो अंडे देती है, अंडे में से बच्चे निकलते हैं और अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती। आदमी है, आदमी ह्यूमंस, वो मैमल्स है, हाँ वो भी मैमल्स है, वार्म ब्लडेड है, गर्म खून है, रीढ़ की हड्डी भी होती है, बेबी प्रोड्यूस होते हैं, अंडों में से थोड़े ना बच्चे निकलते हैं, और मिल्क दूध भी पिलाती है माएँ अपने बच्चों को। जैसे डॉग है, डॉग, कुत्ता क्या मैमल्स है? वो भी मैमल्स है, बच्चे होते हैं, दूध भी पिलाते हैं, रीढ़ की हड्डी भी है, वार्म ब्लडेड भी है। तो ये कुछ मैमल्स है, ये भी पिग्मी हॉग, और अपना घर बनाता है, घोंसला बनाता है अपना घर। ये इंडिकेटर स्पीसीज भी है, इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब है, मान लो कुछ इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होने वाला है तो ये इंडिकेट कर देता है, संकेत दे देता है, बता देता है। ये कहाँ पे रहता है लगभग, ये वेट ग्रासलैंड में रहता है, जहाँ पे टॉल ग्रासेस होती हैं, लंबी लंबी घासें होती हैं, वहाँ पे रहता है, इसका प्राइमरी हैबिटेट है, मतलब घर है इसका। तो अगर वहाँ पे मान लो घास की पॉपुलेशन है, जो घास है वो कम हो गई, तो इसका मतलब ये यहाँ से चला जाएगा, तो ये इंडिकेट करता है घास की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होने वाली है, तो उसे कंजर्व करने के लिए फिर स्टेप लो कुछ, ऐसा इंडिकेट करता है ये। हैबिटेट कहाँ कहाँ पे इसका, वेट ग्रास लैंड में ही रहता है ये, जो घास के मैदान होते हैं ना, घास उगी रहते हैं वहीं पर रहता है। और जो हिमालयन फुट हिल्स है, हिमालयन की पहाड़ियाँ हैं, जैसे हिमालयन की पहाड़ियाँ हैं, इसके नीचे की साइड यहाँ पर रहता है, लगभग उत्तर प्रदेश से असम तक ये पाया जाता था, पहले पाया जाता था। नेपाल का जो तराई रीजन है वहाँ पे भी पाया जाता था, बंगाल का जो द्वार रीजन है वहाँ पे भी, लेकिन अभी ये मेनली असम में मिलता है, इसकी स्मॉल पॉपुलेशन है, कुछ कम पॉपुलेशन रह गई है, तभी तो इसके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाया था जब इसकी पॉपुलेशन कम रह गई है। और इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स वन में आता है, इसकी तीन लिस्ट है, 1, 2, 3, अपेंडिक्स 1, 2, 3 उसमें वन में आता है, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल वन में आता है। इसके भी 6 लिस्ट होती हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके शेड्यूल वन में आता है। इसको थ्रेट किससे, खतरा किससे, इसको इसका हैबिटेट है जो ग्रासलैंड, अगर वो ख़त्म हो गया तो इसकी पॉपुलेशन भी खत्म होने के चांसेस होते हैं, तो इसे ग्रासलैंड के लॉस होने से भी खतरा है। एक डिग्रेडेशन से, सॉइल की खराब हो जाए, वहाँ पे घास नहीं उगेगी, तब भी खतरा है। और इल्लीगल हंटिंग, अवैध तरीके से इसका शिकार कर लेते हैं लोग, और इसे मार के खा भी जाते हैं बहुत से लोग जो वहाँ पे रहते हैं, तो हंटिंग से भी इसको खतरा है। तो ये सारे इसके थ्रेट हैं, और यही था इस लेक्चर में इसके बारे में।